सो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बाय एक्स प्लस 7। ये मैंने क्लास 8 का न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन ऑक्सफोर्ड का सेलेक्ट किया। इसमें हम पहले एग्जांपल करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में खैर मैंने आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे आप लोग का डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लोग कोई भी बुक में डिवीजन के क्वेश्चन कर लें तो वो आप आराम से कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉन्ग डिवीजन के स्टाइल में लिखना है इस क्वेश्चन को। तो आप लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। मैं आप लोग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ठीक है। हमने लॉन्ग वो लिख दिया, लॉन्ग डिवीजन के स्टाइल में लिख दिया। तो ये मेरा आ गया स्टेप नंबर 1 कि मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, मैंने लॉन्ग डिवीजन में लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, मैं पहले समझा रहा हूं, मैं पहले कंसेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्म इस डिवीजन के अंदर वाले टर्म है ना, इसको कहते हैं डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड। और जो बाहर वाला टर्म है ना x प्लस 7, इसको कहते हैं डिविजर। क्या कहते हैं इसको, डिविजर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिविडेंड का जो पहला टर्म है, डिविडेंड का जो पहला टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। तो आप उस एक्स स्क्वायर को डिविजर के पहले टर्म पे डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख देता हूं डिवाइड एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ऐसे लिख देना। या और ज्यादा सिंपल कर देता हूं, इसके ब्रैकेट में ही लिख देता हूं कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। हालांकि ये मुझे नहीं कराना चाहिए, मुझे डायरेक्ट कराना चाहिए, लेकिन मेरे क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली दफा डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। तो आप लोग को एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन पे जाऊं। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग को बिल्कुल बेसिक डिवीजन समझ आ जाए। डिविडेंड का पहला टर्म डिविजर के पहले टर्म पे हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड कर ले तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x वो नंबर है जिसको मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे के साथ, तो तब वो आएगा x square। जैसे x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x square आएगा। तो वो कैसे करूंगा, जो आंसर आया इधर x आंसर आ गया ना, इस x को आपने स्टेप नंबर 3 डाल लेता हूँ। स्टेप नंबर 3 में मैं इस x को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डिविजर के साथ। मल्टीप्लाई द आंसर, या मल्टीप्लाई एक्स लिख के, या मल्टीप्लाई द आंसर बाय डिविजर। ये जो एक्स आ गया ये आप पूरे डिविजर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले। तो इस एक्स को मैं अगर एक्स प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक आ जाएगा 7x। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं इस फर्स्ट टर्म के नीचे लिखूंगा। अब मैं आप लोगों को अप्लीकेबिलिटी स्टेट में करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल पहला स्टेप समझा दिया। अब देख लेना कि ये अप्लाई कैसे होगा। अब ये अप्लाई कैसे करूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7। ओके, ये मैंने किया है ना कि पहले मेरे पास x आ गया तो मैं x को मल्टीप्लाई किया, उससे क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। उस x square plus 7x को मैं यहां नीचे लिखूंगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैं इसमें माइनस शुरू कर दूंगा। ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। ये प्लस से क्या बनेगा, माइनस। तो x square से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और 2x plus 14। ये मेरा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मतलब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैं 2x plus 14 को देखूंगा, ये मेरा डिविडेंड बन गया, और बाहर x plus 7। तो x plus 7, देखिए 2x लेकर आना है ना, तो आप इस 2x को वो जो डिविडेंड का पहला नंबर है x, उस पे डिवाइड कर ले। तो x x से कैंसिल हो गया, इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया 2। इस 2 को मैं x plus 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14। तो मैं यहाँ 2 को ऊपर लिखूंगा, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, जो मेरा आंसर आ रहा है,
और ये जो 2x plus 14 है ये इसके नीचे लिख दूंगा और इस तरह ये डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग के सामने सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा और रूल्स नहीं दिखेंगे। देखिए 2x से कैंसिल और 14 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। आंसर क्या आ गया? जीरो। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 को डिवाइड किया किस चीज पे? x प्लस 7 पे, और मेरे पास आंसर आ गया x प्लस 2। अब ये चूंकि मैंने बहुत ज्यादा एलेबोरेट किया सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अब जब यही क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा डायरेक्टली तो फिर आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा डायरेक्टली कराता हूँ, बीच में इस साइड स्टेप्स नहीं कराऊंगा, ठीक है? ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए करा दिए। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देख ले मैं डायरेक्ट कैसे करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। अब तो आप लोग को पता लग गया x को पहले नंबर x है, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आ जाए? तो x से मल्टीप्लाई करूंगा, x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, x को फिर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 7x। ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, प्लस से माइनस बना, प्लस से माइनस बन गया, x स्क्वायर कैंसिल, 9 माइनस 7 2x प्लस 14। अब इस x को किस से मल्टीप्लाई करो कि 2x आ जाए? तो ऑटोमेटिकली मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 को 7 से करेंगे तो 14। फिर साइन चेंज करूंगा, डिवीजन में भी सब्ट्रैक्शन होती है और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है? तो ये था आप लोगों का डिवीजन का क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह मैं आप लोगों को 5 से 6 सवाल कराऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को डिवीजन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय x प्लस 1। अब इसमें मैं डायरेक्टली डिवीजन करूंगा क्योंकि आप लोगों को पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए, अब ये मजीद आपके कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट कर देगा। x को किस से मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आ जाए? तो इसका तरीका ये है कि आप x स्क्वायर को x पे डिवाइड करें, तो जब x स्क्वायर को x पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मुझे x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो आंसर यहां आए उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो x को x से भी मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम x स्क्वायर, x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम x, प्लस से माइनस, इस प्लस से माइनस। पहले वाला हमेशा कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाला कैंसिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? 3 माइनस 1 2x प्लस 2। अब 2x की बारी आ गई, अब आपने 2x को x पे डिवाइड करना है। रफ वर्क में 2x को आप x पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम x, x से कैंसिल 2, इसका मतलब दूसरा नंबर 2 होगा। तो जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2। इस तरह ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, इस प्लस से माइनस ये कैंसिल हो गए, ठीक है? और इस तरह हमारे पास आंसर जीरो आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 2, सॉरी रिमाइंडर जो है वो हमारे पास जीरो आ गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब मजीद एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फार्मूले से, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ये है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। 6x³ प्लस 7x² माइनस एक्स माइनस 2, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं किस चीज से? 3x प्लस 2 से। अब आप खुद सोच ले कि 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 6x³ आ जाए। तो आप रफ वर्क में 6x³ को 3x पे डिवाइड करें तो 3 1 3 3 2 6, और x जब x क्यूब से कट जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। आप अपने कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि अगर मैं 2x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 6x³। फिर 2x स्क्वायर को 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस बन गया, और इस तरह ये पहला टर्म आपके पास कैंसिल, 7 - 4 3x² माइनस x माइनस 2। अब दूसरा टर्म शुरू हो गया कि 3x को किस से मल्टीप्लाई करो कि 3x² आ जाए। तो आप रफ वर्क में 3x² को
3x पे डिवाइड करें तो 3 3 से कैंसिल, x x से कैंसिल, इसका मतलब है ओनली x, तो x टर्म आप ऊपर लिख लेना, x टर्म आप ऊपर लिख देना, x into 3x तो 3x square, x into 2 plus 2x, अब आप बीच में माइनस लगा दें, प्लस से माइनस बन गया, इस प्लस से भी माइनस बन गया, ये वाला कैंसिल, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3x, माइनस 2, ओके, अब तीसरा स्टेप, 3x को किससे मल्टीप्लाई करो कि माइनस 3x आ जाए, तो आप माइनस 3x को 3x पे डिवाइड कर ले, तो ये सिर्फ माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर आप माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से तो माइनस 2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब मैं इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब मैं इसमें साइड का रफ वर्क भी नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग के कांसेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं, ठीक है, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से करेंगे, x इनटू x, x स्क्वायर, x इनटू 2 माइनस 2x, ये प्लस से माइनस बना, ये माइनस से प्लस बन गया, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल, 2 प्लस 2 4x, 4x माइनस 7, 4x माइनस 7, अब x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, तो 4 से करेंगे 4x और 4 को 2 से करेंगे तो माइनस 8, माइनस 8, अब साइन चेंज कर ले, प्लस से माइनस बनाए, माइनस से प्लस बनाए, ये कैंसिल हो गया, 8 माइनस 7 1, तो 1 इज द रिमाइंडर, इसका मतलब है कि रिमाइंडर भी आ सकता है, रिमाइंडर भी आ सकता है, बस x प्लस 4 आंसर हो गया और 1 जो है वो आपके पास क्या आ गया, 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चले जाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फार्मूला एक उठा ले, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ए प्लस बी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस का भी मौका दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिविडेंड बनाए और ए प्लस बी को डिविजर बना दें। अब a को किस चीज से मल्टीप्लाई करो कि a स्क्वायर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली a आएगा, a into a, a स्क्वायर, a into b, a b, साइन चेंज कर ले, प्लस से माइनस बना दे, इस प्लस से भी माइनस बना दे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 से आ जाएगा 1, मतलब a b प्लस b स्क्वायर। a को किस से मल्टीप्लाई करो कि a b आ जाए, तो b से करेंगे, इट विल बिकम a b और b को b से करूंगा तो b स्क्वायर, बीच में साइन चेंज हो गए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास क्या आ गया आंसर, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि a स्क्वायर आ जाए, तो a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, फिर a को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, क्योंकि a के साथ प्लस है और b के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब साइन चेंज करें, तो पहले वाला तो कट गया, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस ए बी आ जाए, तो आप माइनस ए बी को a पे डिवाइड करें तो माइनस बी आ गया, इसका मतलब है कि माइनस बी इज देयर टर्म, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो इट विल बिकम बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया,
माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, जीरो आ गया रिमाइंडर, ए माइनस बी इज द आंसर। आंसर को कोशेंट कहा जाता है, आंसर को क्या कहा जाता है, कोशेंट। और ये जो डिवीजन के अंदर है इसको डिविडेंड कहा जाता है, ये अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। और ये जो इस पे डिवीजन कर रहे हैं इसको डिविजर कहा जाता है, और ये जो आखिर में बच गया इसको रिमाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको रिमाइंडर कहा जाता है। सो मच सिंपल क्वेश्चंस, डिवीजन के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है। अब दो क्वेश्चन मजीद भी करेंगे, ठीक है। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 7 को, और उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम भी करवाऊंगा डिवीजन का, एक वर्ड प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के कंसेप्ट मजीद बिल्डअप हो जाए। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। ओके, अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो आप साइड में ना x क्यूब को x पे डिवाइड करें तो आपको x स्क्वायर ही मिलेगा। इसका मतलब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x तो x क्यूब, x स्क्वायर को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर, प्लस से माइनस बना, इस प्लस से भी माइनस बना, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 3x एंड माइनस 2, ये आ गया आपका पहला स्टेप। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x स्क्वायर आ जाए, तो आप माइनस x स्क्वायर को सीधा सीधा x पे डिवाइड कर ले, तो इसका मतलब है माइनस x वो नंबर है जिससे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा। माइनस x को 2 से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस से प्लस बना, इस माइनस से भी प्लस बना, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1, मतलब माइनस x, माइनस 2, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम माइनस x, माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस 2, माइनस से प्लस, इस माइनस से भी प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो अब आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 डिवीजन का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक वर्ड प्रॉब्लम के स्टाइल में है। द एरिया ऑफ ए रूम इज 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 3x माइनस 4 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये तो सबको पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब अगर आपने ब्रेथ मालूम करना है तो लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आप एरिया की जगह वैल्यू लिख लेना, क्या बोला, 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, और लेंथ की जगह लिख लेना 3x माइनस 4, और इस डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा वो ब्रेथ ऑफ द रूम होगा। तो अभी हम डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। 3x को किस से मल्टीप्लाई करो कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा, 3 2s आर 6 तो इट विल बिकम 6x स्क्वायर। फिर जिस तरह आपने 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह आपने 2x को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 से, 2x into minus 4 तो minus 8x, 2 4s आर 8। जब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये प्लस से माइनस बना, ये माइनस से प्लस बना, ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस 17 प्लस 8 तो माइनस 9x, क्योंकि 8 और 9 17 और प्लस 12 अपनी जगह पे है। अब 3x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3s आर 9 तो इट विल बिकम माइनस 9x प्लस 12, ये माइनस है और ये प्लस बन गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, जीरो रिमाइंडर। सो आपके पास ब्रेड की वैल्यू कितनी आ गई,
ब्रेड की वैल्यू आ गई 2x-3 meter, तो ब्रेड की वैल्यू आप यहां पे लिख देना, ब्रेड इज इक्वल टू 2x-3 meter एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह मैंने आप लोगों को डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल का पूरा टॉपिक पढ़ा लिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद कंसेप्ट लेने के लिए आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिएगा। बस एक बात का ख्याल रखें कि हर क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो को पास करें, रजिस्टर पे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, फिर उस क्वेश्चन को देखने के बाद रजिस्टर में प्रैक्टिस करें, और जो जगह समझ नहीं आती पार्टिकुलरली उस जगह को देख ले, तो वो आपके ऑटोमेटिकली कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। और डिवीजन कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग को आज के लेक्चर से ही पता चल गया कि डिवीजन कितना इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही तक था आज का लेक्चर डिवीजन का।